का चंद्रमा लैंडिंग अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इस बीच अमेरिका और चीन साल 2030 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की होड़ में है। चांद की रेस में जीत आखिरकार किसकी होगी, भारत या रूस की? देखिए हमारी खास। 47 साल बाद रूस ने भेजा अपना मून मिशन। चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतरेगा लूना 25। 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था लूना 25। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां जा रहा है चंद्रयान 3। चांद की रेस में जीत किसकी, भारत या रूस? रूस और भारत दोनों पिछले करीब 7 दशकों से पक्के दोस्त रहे हैं और अब दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती को चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद से कुछ ही दूरी पर है, तो वहीं रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। भारत का दोस्त करीब 50 साल बाद चांद पर जाने को तैयार है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि चंद्रयान 3 या फिर लूना, चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च, लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च। मार्क 3 M4 रॉकेट से लॉन्च, सोयुज 2 फ्रेगा बूस्टर रॉकेट से लॉन्च। कम लागत में महत्वाकांक्षी मिशन, ताकतवर रॉकेट से ज्यादा वेलोसिटी जल्दी पहुंचेगा। पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली ल्यूनर ऑर्बिट पहुंचने के बाद चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। ल्यूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, ल्यूनर ऑर्बिट पहुंचने के बाद चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग, 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग। 40 दिनों का सफर, 10 दिनों का सफर। 14 दिनों तक चंद्रमा पर रिसर्च, 1 वर्ष तक चंद्रमा पर रिसर्च। जानकारियां ऑर्बिटर के जरिए भेजेगा, चांद की सतह से जानकारियां भेजेगा। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, चांद की सतह से जानकारियां भेजेगा। भारत का चंद्रयान 3 2 हफ्ते तक प्रयोग करेगा, जबकि लूना 25 1 साल तक के लिए वहां पर रुकेगा। लूना 25 अपने साथ 31 किलोग्राम वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर जा रहा है। वो चांद पर जमे हुए पानी की मौजूदगी का टेस्ट करेगा, साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई से नमूनों को इकट्ठा करेगा। ये नमूने मानव जीवन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। लूना 25 को अक्टूबर 2021 में पहले लॉन्च होना था, लेकिन इसमें कुछ देरी हो गई। चांद पर पहुंचने के लिए सभी देशों में होड़ सी मच गई है। हर कोई चांद पर पहुंचना चाहता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत का चंद्रयान 3 या रूस का लूना 25 इसमें कौन सफल लैंडिंग कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।